दोस्तों देखो सामने झाड़ी में आप लोगों को वो वहाँ पे दिख रही होगी गिरगिट, ये ना रंग बदलते रहती है अपना। अभी देखो इसका ऑरेंज ऑरेंज रंग हो रखा है, थोड़ी देर बाद कुछ और ही रंग हो जाएगा। थोड़ा पास जाने की कोशिश करते हैं। ये देखो दोस्तों सेब कितना ज़बरदस्त फल आया हुआ है, ये रहा सेब। पर इसमें ना एक प्रॉब्लम है, इसको तोते खा के चले जाते हैं, तोते और एक दो चिड़ियाँ और आती हैं वो खा देती हैं इसको। कुमानी बहुत टेस्टी है अम्मी, ये तो है ऊपर और है इसमें। सामने यहाँ से धूप आ रही है और यहाँ हवा चल रही है, हवाएं देखो कितनी तेज हैं। और बांस के पेड़ हवाएं चलने में इतने सुंदर दिखते हैं ना, क्योंकि ये एक साइड हरे होते हैं एक साइड सफ़ेद होते हैं। तो देखो सफ़ेद अभी कितने मस्त लग रहे हैं, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो इनके घर से व्यू देखो, इनके घर से ना पूरा गाँव दिखता है लगभग। देखो ये वाले घर, नीचे हमारा घर, सामने का गाँव, और कभी कभी तो यहाँ से पंचाचूली का भी व्यू आता है। अगर जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है ना तो यहाँ से सामने पंचाचूली भी दिखता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बिसारी से, जो कि पड़ता है चंपावत ज़िले में। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज गए हैं और बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप निकल गई है बाहर। और कल शाम को बारिश हुई थी, तो बारिश से थोड़ा सा मौसम पहाड़ों में अब सही हो गया है। दिन में उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है और ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। तो अभी का सीन ऐसा है, कल मुझे जाना है देहरादून, तो अपनी आज मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि सारे कपड़े भी इधर उधर पड़े हुए हैं और लैपटॉप बैग फाइल्स वगैरह सब इधर उधर हैं, क्योंकि देहरादून मेरी एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। तो कल वहां पे निकलूंगा, और टेंशन मेरे को अभी से हो रहा है कि वहाँ पर गर्मी में ड्राइव कैसे करूँगा गाड़ी मेरे को, क्योंकि गर्मी से ना बहुत दिक्कत हो जाती है। हम लोग बचपन से ही पहाड़ में रहे, ठंडे में तो हमें ठंडा ज़्यादा पसंद है, गर्म मौसम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। और बाकी ये देखो सुबह सुबह का मौसम कितना मस्त हो रहा है, पूरी ग्रीनरी धीरे धीरे करके ग्रीनरी बढ़ते जा रही है। और बस अब सिर्फ ये वाले खेत बचे हुए हैं, ये एक बारी को सही हो जाए, इनमें फसल जब उग के आ जाएगी ना तो बहुत मस्त लगेंगे। और ये देखो सामने गुलाब, एक बार ये खिल चुका है, अब इसमें दोबारा फूल आने लग गए हैं। देखो ये रहे और ये यहाँ पे ये रहे। तो अभी मैं ना वीडियो एडिटिंग करने बैठा हुआ था, मेरी एडिटिंग तो कम्प्लीट हो गई है, शाम को जाके वीडियो अपलोड पर लगा के आ जाऊँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल नब्बू लोगों के घर, क्योंकि उसको थोड़ा सा कुछ काम है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और मम्मी भी कुछ काम बता रही थी, क्या काम है मम्मी? तो उठाना। मैंने बीच में ना गमले भी सही कर दिए आजकल, देखो इनकी जो फालतू की घास हो रही थी वो सब उखाड़ दिए। हमको वो तीन गमले हैं, उसमें गेंदा वाला फूल लगा देना। ठीक है, तो एक और नया काम ऐड हो गया लिस्ट में, शाम को गेंदे के फूल लगाने हैं बहुत सारे, क्योंकि वो मैंने जब नर्सरी लगाई थी ना उसकी, तो बहुत सारे पौधे जम गए, बहुत तो हमने बांट भी दिए। गाइस अगर इसके पापा का कहीं चावल मिलेगा तो मुझे जरा बताना, कल गायब हो गया है, कहाँ गिरा है करके उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो लड़ाई नहीं हुई सुबह आज? मेरा तो अल्लाह हाथ पड़ गया, मम्मी ने ना कल कपड़े धूप में डाले थे, पता नहीं पापा का टॉवल कहाँ उड़ के चले गया है, और सुबह सुबह पापा चिल्ला रहे बाथरूम से कि टॉवल नहीं मिल रहा करके। तो अब वो मम्मी के लिए बहुत बड़ा टास्क है आज, वो ढूंढना। बाकी हमारी पूजी आमा जी देखो यहाँ पे नाश्ता कर रही हैं छाया में बैठ के, और छोटी वाली आमा बैठी हुई है वहाँ पे, आ रहा हूँ, और वो रही छाया में वहाँ पे छोटी वाली आमा। दोनों अम्माओं का मस्त है, सुबह उठ के नहा धो के आराम से धूप में बैठ जाती हैं, सब कुछ इन लोगों को हाथ में मिल जाता है। बैठे रह बैठे रह, वहीं बैठे रह, यहाँ नहीं आना। अब आमाओं की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि वो चल फिर सकें और अपने लिए खुद बना सकें, तो इसलिए बस उनको सेवा चाहिए, और उनकी सेवाएं बहुत अच्छे से कर रही है मम्मी और चाची, ताकि आगे को मेरे बच्चे भी सीखें कि अपनी मम्मी की सेवा। अरे हम कर लेंगे, इतनी चिंता मत करो, हम कर लेंगे। अब देखती हूँ बस से बताएगा। हाँ सेवा करता है कि पकड़ के बाहर बैठाता है, क्यों बैठाऊंगा बाहर। और आज शाम को जो सबसे ज़्यादा मेन काम है ना, वो काम है गाड़ी साफ़ करनी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया गाड़ी गंदी पड़ी हुई है, तो उसको साफ़ करना है अंदर से भी बाहर से भी। बाहर की मेरे को उतनी टेंशन नहीं है जितनी अंदर की है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है अंदर से। क्योंकि गाड़ी जब घर में रहती है ना तो मार्केट से कुछ न कुछ सामान उसमें आते रहता है, कभी राशन आता है, कभी गाय का आता है, कभी सब्जी वगैरह, तो वो गंदी हो जाती है, तो फिर उसको मैं ना एक ही बार में साफ़ करता हूँ पूरा। राशन तो मैं जल्दी साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि राशन के साथ एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि अगर राशन साफ़ नहीं करा ना तो गाड़ी में चूहे घुस जाएंगे, बस एक बार गाड़ी में अगर चूहे घुस गए तो सोच लो फिर तो
खत्म है गाड़ी पूरी अंदर से। यहाँ पर हमारे ताऊ जी हैं ऊपर, उनकी गाड़ी में घुस गए थे चूहे, तो उनने पूरी वायरिंग काट दी थी उसकी, तो चूहे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। पूरा गांव शांत पड़ा हुआ है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, सब लोग घरों में ही हैं अपने। दोस्तों देखो क्या है यहाँ पर, छिपकली शायद गाड़ी से दब गई होगी। दोस्तों देखो सामने झाड़ी में आप लोगों को वो वहाँ पे दिख रही होगी गिरगिट, ये ना रंग बदलते रहती है अपना। अभी देखो इसका ऑरेंज ऑरेंज रंग हो रखा है, थोड़ी देर बाद कुछ और ही रंग हो जाएगा। थोड़ा पास जाने की कोशिश करते हैं। ये देखो कितनी खतरनाक है। चल बाय बाय। तो दोस्तों मैं आ गया था अभी अक्षय लोगों के घर पे। अक्षय तो है नहीं यहाँ पे, नब्बू है। इनके घर से व्यू देखो, इनके घर से ना पूरा गांव दिखता है लगभग। देखो ये वाले घर, नीचे हमारा घर, सामने का गांव, और कभी कभी तो यहाँ से पंचाचूली का भी व्यू आता है। अगर जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है ना तो यहाँ से सामने पंचाचूली भी दिखता है। और ये रहा सामने ऊपर मंदिर। बाकी ये देखो नब्बू के यहाँ पर फूल कितना बढ़िया हो रहा है वो सामने। ये फूल बहुत मस्त है, इसने बहुत मेहनत करी है इस फूल में, इसको गोल कटिंग करने के लिए। अब इसकी इस बरसात में ना कटिंग ज़रूर करना, एक दो पौधे और बनाने। गर्मी से ना यहीं पर हाल इतने ख़राब हैं, तो सोचो प्लेन्स की तरफ क्या हो रहा होगा। और कल तो जाना ही है मुझे, कल पता नहीं क्या होगा। गर्मी देख के इस वाकई में बहुत डर लग रहा है इस बार तो। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि कल जाना है तो थोड़ा सा मार्केट के काम है वो निपटा के आएंगे। दोस्तों मार्केट से काम निपटा के हम लोग घर पहुंच गए, और पार्टी मार्केट में इतना भयंकर तूफान आया था, तो अभी हम लोग क्या, तो अभी भी ना खतरनाक हवाएं चल रही हैं। ये देखो सामने भयंकर आंधी तूफान चल रहा है। आजकल मौसम पता नहीं क्या हो रहा है, लंच के बाद ना बहुत खतरनाक मौसम हो जा रहा है। वो तो अच्छा हुआ पार्टी मार्केट से हम टाइमली निकल आए। मम्मी पता है इतनी भयंकर धूल, आंखों में धूल ही धूल भर गई। पार्टी से बन के आ रहा है मैक्स। तू घर आ गया, घर आ गया, गुड बॉय। दोस्तों पहाड़ का मौसम ना हर 20 मिनट में बदल जाता है। देखो अभी हम पार्टी मार्केट में थे, वहाँ भयंकर आंधी तूफान बारिश चल रही है, और यहाँ देखो सामने यहाँ से धूप आ रही है और यहाँ हवा चल रही है। हवाएं देखो कितनी तेज हैं, और बांस के पेड़ हवाएं चलने में इतने सुंदर दिखते हैं ना, क्योंकि ये एक साइड हरे होते हैं एक साइड सफ़ेद होते हैं। तो देखो सफ़ेद अभी कितने मस्त लग रहे हैं, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो आज वाला जो तूफान आया था ना, उससे देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आड़ू के पेड़ की टहनी ऊपर वहाँ से टूट के गिरी है, और इसमें इतना सारा फल था ये बर्बाद हो गया। अब ये देखो इतने सारे फल लगे हुए हैं इसमें, अब सिर्फ उसमें एक ही टहनी बची है, इतना ख़तरनाक तूफान था वो। तो आज हमारी किस्मत सही थी, हम लोग टाइम से घर पहुँच गए। दोस्तों देखो हवा से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारी पुलम गिर गई हमारी। ये देखो यहाँ पुलम गिरी है, नीचे आड़ू गिरे हैं, और वहाँ खुमानी गिरी हुई है। ये तो बढ़िया हो रही होगी। खुमानी बहुत टेस्टी है अम्मी। ये तो है ऊपर और है इसमें टुक मार। और ये देखो दोस्तों सेब कितना जबरदस्त फल आया हुआ है, ये रहा सेब। पर इसमें ना एक प्रॉब्लम है, इसको तोते खा के चले जाते हैं। तोते और एक दो चिड़ियाँ और आती हैं वो खा देती हैं इसको। इस बार इसमें अगर नेट मिल जाएगा मेरे को हॉर्टिकल्चर से ना, तो मैं नेट डाल दूंगा। देखो कितना मस्त हो रखा है, बहुत अच्छा फल है। अभी इस बार ना इस सीज़न में और भी सेब के पेड़ लेके आऊँगा, वो पेड़ भी लगाने हैं। पेड़ लाऊँगा सेब के, पुलम और आड़ू और खुमानी, ये पेड़ लगाने हैं। ये देखो कितना फल है पुलम का भी, पूरा भर भर के चल रहा है पुलम का पेड़।
दोस्तों अभी टाइम हो गया रात के 10 बज गए हैं और मैं भी सोने के लिए आ गया हूँ। और आजकल ना मैं अपने पुराने वाले घर में सो रहा हूँ क्योंकि आजकल बाहर गर्मी का मौसम है तो सीमेंट वाले घर क्या होते हैं ना, वो गर्म हो जाते हैं, और ये मिट्टी का घर है तो मस्त ठंडा रहता है और बहुत प्यारी नींद आती है। यहाँ पर देखो मैं रजाई ओढ़ के सोता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि कल मॉर्निंग में ना जल्दी हमें निकलना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय बाय।